साथियों, बुंदेलखंड की ये भूमि राष्ट्रभक्ति और राम राज्य से प्रेरणा से भरी हुई है। ओरछा में हमारे प्रभु राम राजा के रूप में विराजमान है। यही बुंदेलखंड की धरती देख रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं, और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। अब आप सोचिए, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। दो दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन पर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी, सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर।